हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। हम लोग जीपी गया के अंदर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यानी हम लोग ग्राउंड पर आए हैं बच्चों लोग से मिलना। आज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था बच्चों लोगों का, तो प्रैक्टिकल कैसा गया, इसके अलावा थ्योरी पेपर कैसा गया और आगे के सेमेस्टर में किस तरह से पढ़ाई करना, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट से मिल चुके हैं और भी बहुत सारे कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, तो एक एक करके सबसे हम लोग आपका परिचय कराते हैं। तो सबसे पहले रज, थैंक यू सर। मेरा नाम, आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम एवरेज गया, थोड़े से एक दो पेपर में सब्जेक्टिव थ्योरी में थोड़ा सा कम गया, बाकी ऑब्जेक्टिव ऑन एन एवरेज 10 to 15 क्वेश्चंस लगभग सब। बता दीजिए नाम। मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ और मैं जीपी गया से, और मैंने थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई अभी टेक्निकल क्लासेस में की है। ठीक, आप बाबू भाई? मेरा नाम विपिन कुमार है। बाबू, विपिन कुमार है, मैं जीपी गया का स्टूडेंट। एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत बढ़िया एग्ज़ाम गया सर। और पेपर थ्योरी कैसा गया, ऑब्जेक्टिव कैसा रहा? ओवरऑल देखा जाए तो सर एग्ज़ाम अच्छा ही गया। एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन थ्योरिकल पोर्शन था और न्यूमेरिकल ना के बराबर ही था। मतलब जैसे जनरेशन में देखा जाए, जनरेशन में हम लोग सिक्स यूनिट में देखे थे, वो न्यूमेरिकल पोर्शन था, पर एग्ज़ाम में वहाँ से एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया था। मतलब ओवरऑल देखा जाए जनरेशन का अगर बात किया जाए हम लोग देखे तो वहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, बाकी सारा पेपर ओवरऑल पेपर भी अच्छा रहा। टाइम थोड़ा इस बार कम मिला था। टाइम का मतलब सिलेबस कंप्लीट करने में भी टाइम का थोड़ा किल्लत हुआ, मतलब कि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा था और टाइम हम लोग को कम मिल पाया और कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस बार जो सेमेस्टर का टाइम दिया गया था वो बहुत ही कम दिया गया था, यानी थर्ड सेमेस्टर में आप देखेंगे तो लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था। लेकिन आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर 100% सिलेबस कंप्लीट किया गया, उसके साथ बोनस में हम लोगों ने रिविज़न भी कराया। आप चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मेजरमेंट का खुद हमने वीडियो बहुत सारा अपलोड किया था। इसके अलावा जनरेशन का जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा अवेलेबल है उसके ऊपर। इसके अलावा आपका मशीन का हमारे चैनल पर अवेलेबल है, पूरा ट्रांसफार्मर मोटर सारा अवेलेबल है। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कम समय पर ज़्यादा मेहनत कराकर बच्चों का सिलेबस कंप्लीट किया है और आशा करते हैं कि अगले सेमिस्टर में हम लोग इस बार से ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि अगले बार पहले से ज़्यादा यानी पिछले सेमिस्टर से ज़्यादा हम लोगों को टाइम मिलेगा, तो और बेटर करने का कोशिश करेंगे। और आप लोग ये बात याद रखिएगा कि आईबी टेक्निकल क्लासेस में सिलेबस 100% कंप्लीट कराया जाता है और आप लोगों को उसके लिए किसी भी प्रकार का टेंशन, किसी भी प्रकार का सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ज़रूर आप लोग आईबी टेक्निकल क्लासेस में ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर क्लास चलता है, तो जिसमें आपको सुविधा हो आप ज़रूर क्लास ज्वाइन कीजिए। 4 जुलाई से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, इसके अलावा ऑनलाइन के अंदर भी 4 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले आप लोग क्लास को अटेंड कीजिएगा अगर ऑनलाइन है तो, और ऑफलाइन है तो डेमो करने ज़रूर आइएगा।